औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान जुनेद बगदादी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मेन फ़िरोज़पुर रोड की सबसे बेहतरीन और रिहाइश के काबिल और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों कनेक्शन के साथ LDA से 100% अप्रूव्ड छोटी सी सोसाइटी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी। मैं बात कर रहा हूँ पाम सिटी की। पाम सिटी सोसाइटी है, मेरे ख्याल से इसकी डेवलपमेंट या इसके अंदर जो फीचर जो है उसके बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल डेवलप सोसाइटी और LDA की वेबसाइट पे जाके आप इसका प्रॉपर जो बायोडाटा है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नाजरीन एक घर हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जाती हमारे हाथों का बना हुआ ये घर है। ये 6.25 मरला है, ये जिस रो में ये बना हुआ है ये कंपनी ने 6.25 मरले की कटिंग है टोटल घरों की। 6.25 मरले का डबल स्टोरी का नाजरीन ये घर है, जिसमें बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का जो कनेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा। राउंड अबाउट का एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, डी ब्लॉक में नाजरीन ये 220 नंबर ये घर का नंबर है। और आप मेरे बिल्कुल राइट साइड पे भी देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन यहाँ पे इन्वायरमेंट है। और बल्कि एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, इस घर के बिल्कुल सामने ही आपको जो सोसाइटी का जो पार्क है वो आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको पार्क वाटर के जो सप्लाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगी। अंडरग्राउंड यहाँ पे बिजली आपको मिलेगी और हर एक जो ABCDEF हर ब्लॉक के अंदर दो दो पार्क सोसाइटी ने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो नाज़रीन चलते हैं, टाइम आपको वेस्ट नहीं करते, घर की जानिब चलते हैं। तो घर में आप सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्डनिंग के लिए यहाँ आपको एरिया मिल जाता है। घर का फ्रंट एलिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया है ऑनर ने। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देख सकते हैं कि वाइट कलर का जो है रॉक वॉल, चॉकलेट कलर की टाइल और जो बहुत ही खूबसूरत लाइट्स लगा के इसका फ्रंट एलिवेशन जो सा वो खूबसूरत यहाँ पे नाजीम बनाया गया है। यहाँ पे आप अपने प्लॉट है जो सा उसकी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं घर की, और आप फाइल भी अपने पास रख सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप मुतमिन होते हैं उस चीज़ को आप यहाँ पे करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। वापडा का यहाँ पे मीटर आपका लगेगा जो कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल्ड हुआ पड़ा है। गैस का जो मीटर है वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह 100% मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने जो से वो कनेक्शन वो बंद किए हुए हैं। यहाँ से जैसे ही हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे नाजिन आपकी बड़ी गाड़ी का, यहाँ पे आपकी बड़ी गाड़ी इजीली यहाँ पे खड़ी हो सकती है। टाइल वर्क आप चेक कर सकते हैं, A+ मटेरियल की यहाँ पे आपको टाइल मिल रही है 2x2 की, और पूरे घर में एक ही पैटर्न की टाइल आपको मिलेगी। जो BPA टाइल्स होती हैं वो होता है कि एक कमरे में अलहदा कलर की टाइल, दूसरे कमरे में अलहदा कलर की टाइल। मटीरियल में आपको बताता चलो ये अव्वल जो ईट है वो यहाँ पे यूज की गई है, बल्कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ भी तो यहाँ पे मैं 2 नंबर मटीरियल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सोसाइटी का जो आर्किटेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर जो सा ना घर को आके चेक करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बाई लास्ट जो स्ट्रीट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसको आप बाईसाइकल्स या मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए या लॉन्ड्री के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस ये वेंटिलेशन के लिए यूज होता है आपका जो ड्राइंग रूम है। वोल्टेज में आपको दिखाता चलो, बाद सोसाइटीज में इश्यूज होते हैं वोल्टेज के, तो पूरे 225 वापडा के जो है वोल्टेज है। कारपोच के एरिया में ही आपको यहाँ पे निशेज मिलती है, निशेज में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नाजिम यहाँ पे काम किया गया है। और ये मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड भी आप देख सकते हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक अच्छी लुक यहाँ पे आपको मिलती है। कारपोच के एरिया से हमें 3 मेन एंट्रेंस मिलती हैं। एक मेन एंट्रेंस मिलती है रिसेप्शन एरिया की, उसके साथ ही आपको मिलती है ड्राइंग रूम, जो आपके गेस्ट आते हैं उनके लिए एंट्रेंस मिलती है। और सबसे प्लस जो पॉइंट है नाजिम वो ये है कि ऊपर वाला पोर्शन अगर आप 2 फैमिलीज ने रहना है या आपने रेंट आउट करना है तो उसके लिए सेपरेट पार्टीशन यहाँ से रखी गई है। टोटल जो इसकी दीवारें हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मटेरियल जो है अल्हम्दुलिल्लाह A+ यूज किया गया, टोटल जो दीवारें वो 9 इंच की हैं। घसों की भर्ती है, RCC लेंटर है, GM की जो तार है वो यूज की गई है, फ्लिप्स की जो सी जो लाइट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह यूज की गई हैं, और फैंस जो से आपको यहाँ पे 100% इंस्टॉल मिल रहे हैं। तो यहाँ से जैसे हम नाजरी इंटर होते हैं मेन रिसेप्शन एरिया से, तो टाइल वर्क आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2x2 की यहाँ पे करारा वाइट जो टाइल है वो यूज की गई है। सीलिंग डिजाइन आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नाजरी इसका सीलिंग डिजाइन, जिसमें रॉब लाइट्स हैं वो भी इंस्टॉल्ड हैं और फानोस जो सा वो भी, और फैंस आपको हर कमरे में कारपोच के एरिया में इंस्टॉल्ड मिलेगा। इसके सामने आ जाती है इसकी मीडिया वॉल में आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में रॉयल डिजाइन में वॉलपेपर आपको मिल रहा है, और ये पीछे आप थीम वॉल चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और इसके सामने बिल्कुल आपको नाजरीन ये मिलता है आपके गेस्ट के लिए, ये ड्राइंग रूम का गेस्ट रूम के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने गेस्ट को सिटिंग यहाँ पे आप करवा सकते हैं, जिसकी इंटरेस्ट कारपोच के एरिया से भी है, ओपन है
आप अपने कार्टन्स लगा के यहाँ से सेपरेट इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। सामने आपको मिलती है 5x5 की वेंटिलेशन विंडो, यहाँ पे स्लाइडिंग जो सी वो विंडोज आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलता है की वॉल और एसी के जो पिनल को हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक बेडरूम, दीवारें आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं ना, सबसे ज्यादा जो आपका खर्चा आता है वो आता है ईंटों पे, ईंट हो गया और सरिया, इस पे सबसे ज्यादा खर्चा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दोनों में हमने कम्प्रोमाइज भी किया गया। अव्वल ईंट 9 इंच की दीवार है, RCC लेंटर, ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं फुल हाइटी 4 सेशन में ये वॉल ड्रॉप्स जो सी आपको नाजर यहाँ पे मिल जाती हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। यूवी की नाजर यहाँ पे जो शीट्स है वो यूज की गई है। सामने आपको मिलता है इसका ये प्रॉपर मीडिया वॉल, यहाँ पे 5x5 की वेंटिलेशन विंडो आपको मिलेगी, और यहाँ पे नाजिन आपको इसका मिलता है अटैच बाथ, जहाँ पे ये वैनिटी आप देख सकते हैं, तुर्क क्लास की जो एक्सेसरीज है वो यहाँ पे यूज की गई है। पानी का प्रेशर भी ठीक है। शावर एरिया आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट शावर एरिया और कबोर्ड जो सा उसकी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ ही नाजिन ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलता है इसका जो किचन है, किचन की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ये नाजिन किचन की ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुकम्मल जो सी है वो एक्सेसरीज आपको इंस्टॉल, इलेक्ट्रिक हुड आप देख सकते हैं, इसका सिर्फ कनेक्शन होने वाला है, अभी बर्नर जो सा वो आपको इंस्टॉल मिलेगा। साथ ये चेक कर सकते हैं अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट वाले जो है यहाँ पे आपको कवर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अंडर हेड भी आपको देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है, और ये एक्सेसरीज आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये पीछे आपका वॉशिंग एरिया प्लस बाय लास्ट जो स्ट्रीट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जहाँ पे मोटर आपको मिलेगी, मुकम्मल जो जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और वेंटिलेशन के तौर पर भी आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अब आपको विजिट करवाते हैं इसके ऊपर वाले पोर्शन का, साथ में इसके घर की प्राइस की भी मैं आपको बताता चलूं। ये 5.5 मरले का नाजरीन घर है, मुकम्मल डबल स्टोरी घर है। इसमें एक बेड आपको ग्राउंड फ्लोर पे, 3 बेड मिलेंगे आपको ऊपर, और इसकी जो डिमांड है बहुत ही मुनासिब रीजनेबल, 5.5 मरले। अगर इसकी डिमांड की बात करें तो नाजरीन ये 5.5 मरले का ये घर है। इसके ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च के एरिया, एक बेड और एक किचन की ऑप्शन यहाँ पे मिलती है। ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन में 2 बेड आपको मिलते हैं, एक मास्टर साइज का किचन वहाँ पे मिलता है आपको, और साथ टेरिस का जो एरिया है वो आपको मिलेगा। डिमांड बड़ी इसकी मुनासिब, बहुत ही माकूल इसकी डिमांड है, क्योंकि मार्केट आपके सामने है, तो प्रॉफिट हमने जो सा ना वो तकरीबन बहुत ही मुनासिब मार्केट हिसाब से इसका रखा गया है। मटीरियल कॉस्ट आप इसकी निकाल सकते हैं, 4500-4700 पर स्क्वायर फुट जा रही है। 5.5 मरला डबल स्टोरी का कवर्ड एरिया लें, उसको उससे मल्टीप्लाई करें, जो विद आउट प्लॉट आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 1.95 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है, 1.95 करोड़, 5.5 मरले घर की इस घर की डिमांड है। मार्केट से बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये घर मिलेगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये आपको रजिस्ट्री भी इसकी मिल जाएगी, आप फाइल ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेल हैं। पाम सिटी डी ब्लॉक में नाजरीन ये घर है, और इंशाल्लाह आप हमारे दिए गए नंबर पे फिलफोर हमसे राबता करें और घर को सेल होने से पहले इंशाल्लाह अवेल करें। तो आप चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन की जानिब। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पे ब्लैक जो है ग्रेनाइट वो यूज किया गया है, साथ स्टील रेलिंग्स वो आपको देख सकते हैं वो यहाँ पे यूज की गई है। और ऊपर जैसे ही हम ऊपर एंटर होते हैं तो सामने ये मीडिया वाला आपको मिलता है मेरे बिल्कुल राइट साइड पे। ये ग्राउंड फ्लोर से भी बल्कि बड़ा फर्स्ट फ्लोर पे आपको किचन मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रिक हुड कनेक्शन होने वाला है, और ये बर्नर आपको मिलेगा, साथ ओवरहेड अंडरहेड काफी जो है स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है। एंगिक लाइट्स आप देख सकते हैं, वॉल लाइट्स आप देख सकते हैं, और ये फैंस आप देख सकते हैं। यानी बड़ी मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो सा है, और एक शौक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये घर जो सा वो बनाया गया है। इसके बाद चलते हैं इसका जो बेड नंबर 2, ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम जैसा कि मैंने आपको बताया, करारा वाइट टाइल यहाँ पे यूज है, फैन आपको इंस्टॉल मिल रहा है। 3 सेशन में इसके ये फुल हाइटी वॉल ड्रॉप्स आपको मिल रही हैं। यूवी की यहाँ पे शीट जो सी है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में यूज की गई है। पीछे वेंटिलेशन विंडो आपको मिल रही है, ये आप चेक कर सकते हैं, हर कमरे में आपको वेंटिलेशन जो सी वो मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉशरूम, वॉशरूम की टाइल बहुत ही खूबसूरत है, डिफरेंट है, यूनिक डिजाइन है इसका,
जिसमें मुकम्मल जो एसेसरीज हैं वो इंस्टॉल हैं, शावर एरिया, कम्बोर्ड, वैनिटी, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल रही है। उसके बाद नाज़रीन आपको लिए चलते हैं इसका बेड नंबर 3। बेड नंबर 3 जो साहब वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसके साथ ही साथ अटैच है इसका टेरिस। यहाँ पे ये जो बेड नंबर 3 है यहाँ पे आपको ये इसका मिल जाता है थीम वॉल, वॉल लाइट्स इसकी मिल जाती हैं, क्योंकि आगे हमने टेरिस को एडजस्ट करना है तो ये जरा थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है। इसकी वॉल ड्रॉप्स बिल्कुल मिसिंग नहीं है, वॉल ड्रॉप्स आपको मिलने वाली है यहाँ पे। ये 2 सेक्शन में इसकी वॉल ड्रॉप्स है फुल हाइटी, और साथ ही इसका मिलता है ये वॉशरूम। वॉशरूम में ये शावर एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल डिफरेंट इसका, इसको रखा गया है। और यहाँ पे आपको इसकी मिलती है ये वैनिटी, पानी यहाँ पे अलग ठीक है। और यहाँ से जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो इस कमरे के बिल्कुल साथ ही आपको मिलता है टेरिस का एरिया, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे जिस तरह का आज मौसम है माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम अल्लाह पाक ने किया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ मौसम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि घर के बिल्कुल सामने यानी एक स्ट्रीट छोड़ के बल्कि स्ट्रीट भी नहीं छोड़नी, आगे यहाँ पे पार्क मिलता है अच्छी, यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप देरी ना करें अगर आप एक अच्छे घर की तलाश में हैं और एक अच्छी सोसाइटी की तलाश में हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर फिर फोर हमसे रहा करें। ये घर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, इस कवर रिहान गार्डन में हमारे पास घर अवेल होते हैं, हमजा टाउन में हमारे पास घर अवेल होते हैं, रिहान गार्डन में अगर आपको प्लॉट चाहिए वो भी मिल जाएंगे, अगर प्लॉट चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।